बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने अपने एक विधायक पर कार्रवाई की है और प्रणय कुंवर, प्रणय चैंपियन को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कुछ दिन पहले ही तमंचे लेकर डांस करते हुए इनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। हालांकि ये इससे पहले ही 6 महीने के लिए पार्टी से निष्कासित थे, लेकिन अब 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निकाल दिया गया है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, एक बड़ी कार्रवाई बीजेपी ने की है, किस तरह के आरोप सही पाए हैं पार्टी ने जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई? देखिए, उनका जवाब भी आया था लेकिन पार्टी आला का मानो से संतोष नहीं था और एक चीज, उनको 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया, यानी पार्टी से वो 6 साल बाहर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हथियार दिखाया है और जिस तरह से अपनी शक्ति दिखाई है वो बीजेपी आलाकमान को बर्दाश्त नहीं था, उसे देशभर में गलत संदेश गया था, तो इसलिए उनको पार्टी से निकालकर बाकी लोगों को भी, बाकी कार्यकर्ताओं को भी पार्टी आलाकमान ने यह संदेश दिया है कि ऐसी गलत काम करने पर पार्टी आलाकमान बिल्कुल नहीं बख्शेगा। लेकिन इसके पहले उनसे सफाई भी मांगी गई थी, नोटिस भी दिया गया था, एक पत्रकार से बदसलूकी के आरोप में 6 महीने के लिए निकाला भी गया था, लेकिन क्या सफाई में वो कह रहे थे कि पार्टी जिससे संतुष्ट नहीं थी? देखिए, वो लाइसेंसी हथियार और अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, तमाम तरह की दलीलें भले ही दे रहे हों, लेकिन पार्टी आलाकमान उनकी किसी भी दलील से संतुष्ट नहीं हुआ है, यही बात हमें बताई गई है। और इसीलिए पार्टी आलाकमान ने फैसला लिया कि ये कोई किसी नॉनसेंस को वो बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेगी, और बाकी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी संदेश देना था कि गलत काम आलाकमान बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए कड़ी कार्रवाई की गई है कि उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जी, शुक्रिया। को घेरा था। अब नगर निगम के स्कूल में बेंच नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया, क्योंकि दिल्ली के